इस समय हम आजमगढ़ में मौजूद हैं और आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उपचुनाव होने वाला है और लगातार अगर तस्वीरें आपको दिखाएं, देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग यहाँ पे निरहुआ के साथ सेल्फी लेने के लिए भी लोग पहुँच रहे हैं, फोटोग्राफी करा रहे हैं उनके साथ। अब देखना ये होगा कि ये जो सेल्फी लेने वाले हैं ये वोट में कितना तब्दील होते हैं। यहाँ पे आपको अगर आप दिखाएं तो आगे आगे अगर आप दिखाना चाहें, देखिए किस तरह से यहाँ पे हुजूम उमड़ा हुआ है, लोग दिनेश लाल यादव जो बीजेपी प्रत्याशी है उनको देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, हालांकि भीड़ बहुत है, हम चलेंगे और देखेंगे किस तरह की तैयारी, किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है यहाँ पे। आप देखिए लोगों में काफी उत्साह है और हम दिनेश भैया से बात करना चाहेंगे। दिनेश भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, भैया तो ये देखिए भैया जरा सामने सड़ जाइए। तो आप देखिए इस तरह से यहाँ पे दिनेश भैया कितना उत्साह देखने को मिल रहा है जनता के बीच में। देखिए सबका आशीर्वाद प्यार मिल रहा है और हम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसमें सफलता मिल रही है। हमारा उद्देश्य यही था कि हम लोग आजमगढ़ को सरकार के साथ जोड़ें ताकि यहाँ 10-10 विधायक सपा के होने के बाद भी सरकार में नहीं है, इसलिए आजमगढ़ लगातार पिछड़े ही पन पे जा रहा है, तो इसको सरकार से जोड़ के हम लोग तरक्की कर पाए आजमगढ़ में, इसलिए आए हैं। और जनता का उत्साह और प्यार आप देख ही रहे हैं, चिलचिलाती धूप में भी काफी मेहनत तो करना पड़ेगा। कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं, जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो लोग पसीना से नहाते हैं वही इतिहास बदलते हैं। बड़का भैया रवि भैया गोरखपुर में और रहुआ आजमगढ़ में, कितना विकास हुई? बहुत विकास हुई, बहुत विकास हुई। कहे कि ये रमेश सिंह 3 साल में जो ना भैल वो सब 1.5 साल में हो गया। हाँ बिल्कुल, देखिए सीधे से कहना है जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का, इतना विकास 3 साल में नहीं हुआ, वो विकास जो है यहाँ पे किया जाएगा। और लगातार तस्वीरें पे इकट्ठा हुई है, लोग दिनेश लाल यादव निरहुआ को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएं, अगर देखिए काफी भीड़ है यहाँ पे और लोग जो है इकट्ठा है, सेल्फी ले रहे हैं उनके साथ। अब देखना ये होगा कि जब वोटिंग पड़ेगी तो ये सेल्फी लेने वाले लोग हैं ये वोट में कितना तब्दील होते हैं। राजन